नमस्कार। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, आपके पास चाहे टू स्ट्रोक रिक्शा हो, चाहे फोर स्ट्रोक हो, पेट्रोल की हो, चाहे सीएनजी की हो, कोई भी ऑटो हो, लेकिन स्टेयरिंग सब में सेम होता है लगभग, और थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। और उसमें जो काम आता है ना स्टेयरिंग में, वह काम एक बार अगर चेकनट ढीला होने चालू हो गया और आप उसको स्टेयरिंग का काम के लिए, चेकनट टाइट करने के लिए, स्टेयरिंग को टाइट करने के लिए अगर गैरेज में जाके मैकेनिक से चेकनट ठोक के ले लोगे, तो एक बार टाइट हो जाता है। दो चार दिन के बाद में अगर फिर से ढीला हो गया, फिर से उसके बाद टाइट किया, ऐसा दो चार बार, छः बार करने के बाद चेकनट जो है वो अगर बार बार ढीला होता है और टाइट करते हो, तो स्टेयरिंग का जो मेन राड है उसका आटा मर जाता है। उसके लिए उसको आपको फिर से जो है कि बड़ा काम आपके गाड़ी में आ जाएगा। तो देखते हैं, आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ से स्टेयरिंग का जो आटा है वो कैसे ख़राब होता है और उसको फिर बाद में क्या उसमें काम आ जाता है। यहाँ पर देखो, ये सामने जो राड दिख रहा है, जब चेकनट ढीला होता है ना, तो इसका जो झटका है वो आटे पे पड़ता है, और यहाँ पर ये देखिए, ये आटा मर जाता है, और ये आटा जब ख़राब हो जाता है तो पूरा का पूरा राड चेंज करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम आता है। इसके लिए यहाँ पर देखिए, जब भी आप चेकनट टाइट करते हो, यहाँ पर ढीला होता है और स्टेयरिंग गाड़ी चलाने में झटके मारती है, खड्ढे में जाएगा तो खटखट ऐसा आवाज़ आता है, तो आप अगर इसको बार बार टाइट करके लोगे तो इसका जो राड का आटा है वो ख़राब हो जाता है। इसके लिए वो पूरा बदली करना पड़ता है। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर ऐसा कुछ कभी ऐसा प्रॉब्लम जब आएगा, तो दो बार चार बार अगर चेकनट ढीला हुआ, उसके बाद में इसका जो कोन है वो पूरा चेंज करके ले लेना चाहिए। आपने देखा कि किस तरह स्टेयरिंग का अगर बार बार चेकनट टाइट करेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।